आपने कहा आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, अब क्या करेंगे आप? कहते थे फैसले से संतुष्ट होने पर उसको एग्जामिन करके अगर बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती है और हमारे सीनियर एडवोकेट्स धवन साहब वगैरह तय करते हैं तो उसका रिव्यू फाइल करेंगे। रिव्यू फाइल करेंगे। सर 5 एकड़ ज़मीन देने की बात की है वैकल्पिक कोर्ट ने, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए मैंने आपसे बताया कि ज़मीन मस्जिद की ज़मीन का कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई उसका इक्वल नहीं, तो ये ज़मीन मस्जिद की थी और कोर्ट ने माना है उसको मस्जिद, तो इसलिए हम उसको इक्वल कुछ नहीं मान सकते हैं। अब ये ज़मीन की बात जो है वो बोर्ड की मीटिंग में भी तय होगी कि हम उसे बोर्ड से क्या कहें, सुन्नी वक्फ बोर्ड से उसे एक्सेप्ट करें ना करें अलग बात है। सर आप कितना वक्त है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के? 30 डेज होता है, 30 दिन, तो 30 डेज के अंदर इंशाल्लाह फाइल करें। सर आपका किन बातों को लेकर कि आप जजमेंट, आपने बोला कि उन्होंने बोला कि 1949 में मंदिर रखना गैर कानूनी था, बाबरी मस्जिद तोड़ना गैर कानूनी, कई बातें हैं जिस पर हमें ये लगता है कि फाइंडिंग इनकरेक्ट हो गई है या सेल्फ कंट्रेडिक्टरी है या अगेंस्ट द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, इस टाइप की चीज़ें जो हम उसको तफसील से रिव्यू पढ़ेंगे तैयार करेंगे। आखिरी सवाल, आप जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड होता है फॉर द एंटायर कंट्री, नोबडी कैन से दैट वी रिजेक्ट इट, दे आर बाउंड, एवरीबॉडी इज बाउंड, हम भी बाउंड, इसमें क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही ये रूल है और सिविल प्रोसीजर कोर्ट का ये कानून है कि अगर कोई उससे डिससेटिस्फाइड है तो रिव्यू फाइल कर सकता है। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे आप मेंटेन करें पीस ट्रैंक्विलिटी, गुडविल, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मेंटेन करें, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो, किसी तरीके का रिजॉइसमेंट ना हो। ये जजमेंट मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सुप्रीमेसी और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है, लिहाजा कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट वगैरह ना होना चाहिए।